नमस्कार, मैं तनु बद, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां आए दिन मतदाता जागरूक रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 7 अप्रैल को बाबा जय गुरुदेव राजनीतिक संगत की ओर से भी एक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ नशा मुक्ति एवं शाकाहार का प्रचार करना भी था। इस अभियान के अंतर्गत एक नगर फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बाबा के अनुयायियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने शरीर पर सफ़ेद रंग के फ्लैक्स के चोंगे पहने हुए थे, जिन पर लिखा था कि शाकाहार व सदाचारी होने पर गर्व महसूस करते हैं, साथ ही देश के सभी नागरिकों को मतदान करने की प्रेरणा देते हुए शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त प्रत्याशी को ही वोट देने की अपील की। सबको यह बात जानना ज़रूरी है कि देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए एमपी साहब कैसे हों। जैसे कन्यादान के लिए योग्य वर ढूंढते हैं, वैसे ही मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। मतदान यानी अपनी राय व बुद्धि का दान देना। अब 5 साल के लिए एमपी चुनावों का समय आ गया है। थोड़ी देर बाद एक बार वोट देने के बाद आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। फिर उनके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों की सजा में आपकी भागीदारी पक्की है। इसलिए देश की उन्नति के लिए संसद में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों को अहिंसक, शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त, ईमानदार और कर्तव्यपरायण होना चाहिए। साथ ही तोड़फोड़ व राष्ट्र घातक कार्यों से दूर रहना चाहिए। सबको जाति, समाज, भाषा, क्षेत्र, परिवारवाद आदि से मुक्त आदर्शवादी व्यक्ति होना चाहिए। हम देश के मतदाता और नागरिकों को लोकसभा चुनाव 2019 में खड़े होने वाले सभी प्रत्याशियों से यह लिखित पक्का भरोसा लेने की ज़रूरत है कि बताई गई सभी बातों को निभाएंगे। चुनावों में सार्थक परिणाम के लिए सोच समझकर विचार कर मतदान करना ज़रूरी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? जो आप जो रैली निकाल रहे हैं, रैली आप किस मकसद से निकाल रहे हैं? ये अभी जागरूकता अभियान है मतदाताओं के लिए। तो अभी ये 5 साल में 1-2 मिनट का ही मौका मतदाताओं के लिए मिलता है, तो ये अपना मतदान, जैसे बेटी का दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, बुद्धि का दान करते हैं, ये मतदान है, मत यानी बुद्धि का दान है। अच्छा। तो हम ये मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाला 5 साल हमारे देश के लिए खुशहाली लावे। ऐसे जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हों, उनको चुना जाए, शाकाहारी हों, सदाचारी हों, सेवाभारी हों, सेवाभावी और देशभक्त। और इसके साथ ये जागरूकता अभियान हमारा है, पूरे देश में चुनिंदा शहरों में ये निकाला जा रहा है। और इसके साथ ही हमारा एक दूसरा संकल्प पत्र भी, जो भी जनप्रतिनिधि प्रत्याशी विभिन्न पार्टियों से खड़े हैं या निर्दलीय भी खड़े हैं, उनसे हम संकल्प पत्र भरवा रहे हैं कि आप शाकाहारी रहोगे, सदाचारी रहोगे, नशा मुक्त रहोगे, देशभक्त रहोगे और जनता की सेवा का संकल्प लेकर के आप मैदान में आओगे, तो जनता तो आपको वहाँ संसद में बैठाने के लिए, सर्वोच्च संस्था है, उसमें बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको यह संकल्प लेना चाहिए देश के हित के लिए। ये सब अभियान है, जमीन स्तर पर ये काम चल रहा है, ये किसी न पार्टी से संबंधित है, न किसी दल से संबंधित है, जनता को।